गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये रही मेरे कान्हा जी की न्यू ड्रेस। अभी करती हूँ मैं पूजा। अभी सही लाइटिंग की वजह से आपको दिखते नहीं है, सारी चीज़ें मैंने चेंज कर दी। तो ये रहा हमारे कान्हा जी का आज का लुक। पूजा हमारी हो गई है और अब जाके सुकून मिल रहा है। और आज है मंडे, तो आप सभी को सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख देना। अभी ना मैचिंग से पगड़ी पहनाती हूँ। जैसे इस ड्रेस में ना आपको क्लियर नहीं दिख रही होगी ड्रेस, क्योंकि मैंने फूल चढ़ाए हुए हैं। अरे वो दुकान वाले भी कितने पागल बनाते हैं, डेली फूल मंगाते हैं, तो उन्होंने सड़े हुए फूल दे दिए। फिर मैंने वापस करके अच्छे वाले फूल, खुशबू वाले मंगाए हुए थे भगवान जी के लिए। कितने क्यूट लग रहे हैं कान्हा जी, नज़र न लग जाए। थोए थोए, चलो लग जाते हैं अब काम पर। तो ये लेके आए हैं सब्जी, समोसे, भेड़मी, कचौड़ी, सब कुछ। जानू देख रहे हो कितना पसीना आ रहा है मुझे। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस साल कुछ ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही है। इतनी ज़्यादा गर्मी, किचन में खाना बनाते बनाते तो बैंडी बच जाती है। आप लोग बताना आप लोगों के यहाँ अभी कितनी गर्मी है। हमारे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा है सच में। लड्डू जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है उसकी शैतानी बढ़ती जा रही है। और जितनी भी शैतानी करवाता है वो है गुरु, उसका लक्ष्य। और मैं उसको बहुत डांटती हूँ लक्ष्य को। और लेकिन लड्डू भी तो नहीं मानता ना, वो एक बार को मान भी जाता है तो ये चाहता है कि वो मेरे साथ शैतानी करे। तो बच्चों का तो यही चलता रहता है। यहाँ पर ये डांट लगा रहे थे कि गिर ना जाए, गिर जाएगा तो डायरेक्ट उसके सिर में लग जाएगी। और डेली ही लगती है इसको, तो पता नहीं क्या ही कांड करता है। उसके बाद अभी हो रहा इवनिंग का समय, मैं आ गई थी मंदिर। तो आज मैं फ़ोन लेके आई थी, वैसे मैं फ़ोन लेके नहीं आती हूँ। तो मैंने आपको दर्शन नहीं कराए कभी मैया रानी के, तो मुझे लगा कि मैं आज आपको दर्शन भी कराती हूँ काली मैया के। तो जिस बालाजी के मंदिर में मैं आती हूँ वहाँ काली मैया का मंदिर भी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने पूजा करी और परिक्रमा लगाई, प्रार्थना करी, फिर मुझे लगा मैं आपको भी दर्शन कराती हूँ। इस वाले मंदिर में कौन कौन आया हुआ है मुझे ये भी बताना ज़रूर। पहले मैं बालाजी के मंदिर गई, वहाँ पर आरती वगैरह हुई, पाठ वगैरह किया। उसके बाद ये नीचे की साइड है ये मंदिर, और मैं बसिया वाली मैया नहीं जा पाती हूँ तो यहाँ आ जाती हूँ, क्योंकि यहाँ अभी काली मैया का मंदिर है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सैटरडे एंड ट्यूसडे को बहुत ज़्यादा ही भीड़ रहती है यहाँ पे। नॉर्मल डेज में इतनी नहीं रहती है, बट हाँ रहती है। और मंदिर आके ना बहुत सुकून जैसा मिलता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा ही मिलता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। उसके बाद मैं घर पर जाऊँगी। यहाँ पर फाउंटेन भी चल रहा था, वैसे बहुत कम चलता है, गर्मी का सीज़न है ना, इसलिए घर जाके बनाया। फिर मैंने खाना, इन्होंने खाना खाया और ये निकल गए थे किसी अर्जेंट काम से। और ये 2-3 घंटे बाद आए थे। अभी रात का समय हो रहा है, 11 बज रहे हैं। ये आए थे शायद 1:30 बजे के समथिंग। उसके बाद हम लेट सोते हैं, फिर हम सो गए थे। हाँ लिख लो, लिख लो। लक्ष्य से पढ़ाई करता है ना, इसलिए इसको भी तकिया रख के पढ़ाई करनी। लक्ष्य तुम्हारी नकल कर रहा है। बोलो आ उ गुड बाय, लव यू मम्मा, लव यू, लिख लो आ लिख लो, लिख लो आ। हाँ जब पढ़ने लायक हो जाओगे तब पढ़ाई भी नहीं करोगे, अब इतना नाटक फैलाना है। ये भाई साहब वहाँ पढ़ रहे हैं। कौन बोलना, कौन? पापा नहीं है। कौन? पापा नहीं है। कौन? पापा नहीं है। अच्छा, बबूले वाले अंकल। पापा नहीं है। अच्छा क्या हमको बोलोगे? हमको हम बोल हमको बोला। अच्छा दादा नहीं
अच्छा। तो अभी हो रहा है इवनिंग का समय है। सुबह में मैं पेड़ों में पानी नहीं दे पाई थी, तो अभी मैं शाम को पेड़ों में पानी दे रही थी, जब तक मैंने देखा कि गऊ माता निकल रही हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने उनको रोटी खिलाई, उसके बाद मैंने पानी पिलाया। और गर्मी का सीज़न है, अगर आपको कोई भी गऊ माता वगैरह या जानवर, कुत्ते बिल्ली कुछ भी दिखता है तो उनको पानी ज़रूर पिलाइएगा, बहुत ज़्यादा पुण्य मिलेगा। इसलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करी है कि मेरी वीडियो के थ्रू अगर आपके दिल में भी ये आता है तो आप ज़रूर करें। और बहुत अच्छा लगता है यार, पेड़ कटते जा रहे हैं, उनके घर ख़त्म होते जा रहे हैं, बेचारे वो कहाँ रहेंगे। बंदर, कुत्ते बिल्ली अगर ये कहीं भी आपको देखते हैं तो खाना पीना इनको ज़रूर खिलाइएगा। उसके बाद अभी रात का समय हो रहा है और मैंने बनाए हुए हैं पॉपकॉर्न विद कोल्ड ड्रिंक के साथ। मज़ा ही आ गया था रात के समय। और मुझे पता नहीं क्यों रात होते होते भूख तो लगती है, खाना मैं सही टाइम से खाती नहीं हूँ। उसके बाद अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग का समय है, मेरा आ गया है पार्सल। और पार्सल आता है तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ। और यहाँ पर क्या आया हुआ है ये मैं अभी नहीं बता रही हूँ आपको, बस दिखा देती हूँ कि रेड कलर का आया हुआ है, क्योंकि मैं ये हॉल वीडियो में शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, वो भी जल्दी, 2-4 दिन में ही। तो बस मैं सूट करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और मैंने ना लड्डू के बर्थडे की शॉपिंग भी कर ली है, क्योंकि उसकी बर्थडे भी आने वाली है। क्या है पापा का? क्या है? माउस क्या है? रख दो बेटा, रख दो ऊपर, पापा का है बेटा, रख दो। अच्छा अच्छा, रख दो। माउस क्या है? बोलो मौसी। पापा का माउस है बेबी, रख दो, ये पापा के काम का है। चलो आ जाओ आ जाओ, एक चीज दिखाऊंगी, अनाया दिखाऊंगी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पापा आइसक्रीम लेके आएंगे ना बेबी के लिए। अच्छा बोलो, ऐसा कर दो सबको, राम राम कर लो हाथ जोड़ के, राम राम बोलो, हेलो ऐसे बोलो, हेलो आ जाओ। चलो चलो ऊपर चलो, ऊपर चलो, बोलो हेलो गाइज। हाँ बोलो हेलो गाइज, सो जाओ गाइज, सो जाओ बेटा, मुझे भी सोना है, रात भर सोने नहीं दिया। देखो 3:30 बजे तो सोता है। बोलो आंख बंद कर लो, सो जाओ, आंख बंद कर लो, सो जाओ सो जाओ, सुला लो लड्डू अपने आप। मेरा बेबी कौन है? कौन है? मैं। मेरा बेबी कौन है? मैं। क्या दादा, मम्मा का बेबी? मेरा बेबी कौन है? मेरा बेबी कौन है? मेरा बेबी कौन है लड्डू? मम्मा का बेबी कौन है? मैं। नो no. तो मैं आ गई हूँ किचन में डिनर बनाने के लिए, जब तक ये भी आ गए। वैसे ये इतने ज़्यादा बिजी हैं, इनकी मीटिंग्स रहती हैं, फिर ये बाहर चले जाते हैं, इतने सारे काम चल रहे हैं। तो पता है कुछ दिन पहले हम स्मार्ट बाज़ार गए थे, हम बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक लेके आए थे, सारी कोल्ड ड्रिंक हम दोनों ने ख़त्म कर दी, मैंने और लक्ष्य ने। थोड़ी सी ये मिरिंडा बची थी, मुझे मिरिंडा ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ब्लैक वाली मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, स्प्राइट भी ठीक लगती है। तो यहाँ पर ये मुझे कुछ पर्सनल बात बता रहे थे, तो मैंने इनसे कहा कि लो कोल्ड ड्रिंक पी लो, वरना आप ये बोलोगे कि सारी ख़त्म हो गई, मुझे तो मिली ही नहीं, क्योंकि ये घर से बाहर रहते हैं या मीटिंग्स में रहते हैं, तो ये इनको वैसे भी ये सारी चीज़ें ज़्यादा पसंद होती नहीं है। उसके बाद मैंने बनाया डिनर, इन्होंने खाया खाना, थोड़ी सी मैंने बोला जगह खाली कर देना क्योंकि मैं कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने कट करके रख ली हैं और यहाँ पे बनाने जा रही हूँ आज मैं एक रेसिपी, और आप लोगों के साथ भी शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो में बने रहना। तो गैस पे रख दी है कढ़ाई, इसमें थोड़ा सा मैंने घी ले लिया है, और ये है बड़ी जो कि मैंने नमक में उबाली हुई थी, अभी इनको मैं थोड़ा सा सेक लूँगी, तो थोड़ा सा नमक और ऐड कर दूंगी, थोड़ा सा हल्का सा। मैं फ्लैश ऑन कर देती हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप रेसिपी शेयर नहीं करती, तो मैं लड्डू की वजह से नहीं करती, सब सारी चीज़ें ना जल्दी जल्दी बनाती हूँ। तो मीडियम फ्लेम करना है गैस का, और इसमें इनको सेकना है। डीप फ्राई भी कर सकते हो, बट डीप फ्राई की अपेक्षा इस तरीके से अगर आप करोगे ना तो ज़्यादा अच्छी टेस्टी लगेंगी, और हाँ थोड़े कुरकुरी टाइप की लगेंगी, है ना। तो मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर देती हूँ हल्का सा, तो इसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है। चलो इनको मैं अच्छे से सेक लेती हूँ, उसके बाद निकाल लूँगी। और इस रेसिपी को आप लोग भी ट्राई कर सकते हो घर पे, और मुझे बताना ज़रूर कैसी बनी। ओके
ये है आरारोट मक्के का आटा, तो इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूंगी। तो यहाँ पे हमारी बड़ी अभी भी भुन रही है, हल्की हल्की देख सकते हो ब्राउन हो चुकी है। और ये है फ्रेंच फ्राइज बना रही हूँ मैं, तो आलू को मैंने अच्छे से स्लाइसेज में कट कर लिया है। इसमें मैंने थोड़ा सा आरा रूट मिलाया है, थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी और इसको ना ऑयल में अच्छे से ऑयल में डीप फ्राई कर लूँगी और फिर उसके बाद मैं निकाल लूँगी। तो हमारी बड़ी हो चुकी हैं थोड़ी सी ब्राउन और मैंने इनको निकाल लिया है और इनको मैं कर लूँगी मिक्स। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है कढ़ाई में, उसी कढ़ाई में मैंने चढ़ा दिया है ऑयल सरसों का। ये अच्छे से निकल आएगा ना तो उसमें मैं इसको फ्राई करूँगी। और आप कुछ भी यूज कर सकते हो, मैं रिफाइंड ऑयल यूज नहीं करती हूँ, बहुत हानिकारक होता है इसलिए। तो बस मैंने इसको अच्छे से हाथ से मिक्स कर लिया है और इनको अच्छे से मैं सेक लूँगी। और मेरी हालत भी आप देख सकते हो, आज है मंडे तो मैं मंदिर चली गई थी शाम में, सुबह नहीं जा पाती जैसे कि मैंने आपको बताया, गर्मी भी अभी भी है। और मुझे लगा मैं आप लोग साथ शेयर कर देती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि आप रेसिपी भी शेयर किया कीजिए, बट बहुत सारे लोग पसंद नहीं भी करते हैं, वो शॉपिंग हॉल वगैरह अभी की वीडियो पसंद करते हैं। तो मैं जल्दी ही वो भी शेयर करूँगी आपसे, थोड़ी थोड़ी चीज़ सारी मैं शेयर करूँगी। प्रॉपर ब्लॉगिंग तो मैंने आपको बोला कि मैं नहीं करूँगी सारे दिन की अपनी सारी चीज़ें। तो चलिए ऑयल हमारा निकलने वाला है, मैं वेट कर रही हूँ। और मैं सच बता रही हूँ, मैं जैसी होती हूँ वैसी कैमरे के सामने आ जाती हूँ। मैं अपना हेयर में कंघी भी नहीं करती हूँ। आज मंदिर गई थी ना सुबह से, ऐसे ही डली थी तो मंदिर गई थी, तो बस मैंने अपनी कंघी करी थी और ऐसे ही। चलो लड्डू हेलो बोल, मम्मा आई लव लव आई लव यू मम्मा आई लव यू। जाओ पराठा खा लिया इसने? नहीं तो मेरे को नहीं पता। जाओ पराठा खा के आओ। तो गैस पे यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है ये पैन और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें घी ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैं करूँगी थोड़ा सा घी, ये ख़राब हो चुका है एक्चुअली, मैंने बहुत पहले लिया था गुड़गांव में लिया था, ये ख़राब हो चुका है। तो कोई बात नहीं, मैं थोड़े से इतना ही घी ऐड करूँगी, बस इतना सा। और इसमें मैं जो भी सब्जियाँ हैं उनको सॉटे करूँगी और तो पैन में मैंने लिया थोड़ा सा घी, उसमें मैंने दो हरी मिर्ची ऐड करी, उसके बाद मैंने प्याज शिमला मिर्ची एंड टमाटर भी ऐड कर दिया, थोड़ा सा नमक स्वादानुसार। वैसे सब चीज़ें जो हम ऐड करेंगे ना उसमें ऑलरेडी नमक रहता है तो कम ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है। तो एकदम मीडियम फ्लेम पर हम उसको पकाएँगे। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दी थी, एक्चुअली क्या है कि फ़ोन हीट पकड़ रहा था तो मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई थी, तो मैंने यहाँ पे विनेगर थोड़ा सा ऐड किया, ब्लैक सोया सॉस ऐड करी मैंने, उसके बाद मैंने सेजवान चटनी ऐड करी जो कि ऑलरेडी तीखी होती है, उसके बाद मैंने यहाँ पे टमाटो केचप भी ऐड कर दिया, जो फ्रेंच फ्राइज बनाए थे ना मैंने वो भी ऐड कर दिए हैं। और अच्छे से मैंने उसको मिक्स करके थोड़ी सी मैंने ब्लैक पेपर भी ऐड किया। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारी डिश बन के हुई थी तैयार, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा इस तरीके से। सोया सेजवान फ्रेंच फ्राइज हमारे रेडी हो चुके हैं, इसमें आप लोग ना राइस भी ऐड कर सकते हो बट मैंने नहीं किए। अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग का समय हो रहा है, रात में हम लोग लेट सोते हैं लड्डू की वजह से, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर तो आपको पता ही होगा। उसके बाद मैं जल्दी उठ गई थी, उसके बाद मैंने कर ली यहाँ पर पूजा और अभी मैं आपको भी दर्शन करा रही हूँ भगवान जी के। तो राधे राधे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और यहाँ पर अभी सुकून मिलता है मुझे, आपको पता है सुबह सुबह पूजा करने के बाद मैं गौ माता को रोटी देती हूँ, एक्चुअली मैं रात में ही रोटी बना के रख लेती हूँ उनके लिए। सुबह जब हम रोटी बनाते हैं तो पहली रोटी गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए तो बनाते ही हैं, लेकिन उसके बाद ना रात में जब आटा बचता है ना तो वैसे भी बचे हुए आटे की रोटी बनाते नहीं हैं, तो या तो मैं सुबह में गरम गरम बना देती हूँ या मैं रात को ही बना के रख देती हूँ, तो सुबह मैं गौ माता को दे देती हूँ। उसके बाद अभी ये भी नहा धो लिया, इन्होंने भी पूजा कर ली और लड्डू अभी नहीं नहाया है, मैंने भी पूजा कर ली और मेरा आ गया है पार्सल। एक्चुअली लड्डू की बर्थडे आने वाली है तो मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी है, तो वन बाई वन पार्सल आ रहे हैं उसके,
तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने लड्डू के लिए क्या क्या मंगाया हुआ है, क्योंकि मुझे पर्सनल भी इतने सारे डीएम आते हैं कि दीदी आपने लड्डू की ये ड्रेस कहाँ से ली और बहुत अच्छी लग रही है। अभी उज्जैन गया था ना, वो ड्रेस सबको बहुत पसंद आई थी। तो मैं शॉपिंग हॉल वीडियो लड्डू की अब अलग से शेयर करूंगी कि मैंने उसकी बर्थडे के लिए क्या क्या शॉपिंग करी है, और यहाँ पर देख सकते हो आपको बहुत हँसी आएगी। गुड आफ्टरनून एवरीवन, ये लेके आए हैं लीची, तो मैंने ठंडे पानी में इनको रख दिया है थोड़ी सी, और केले लेके आए हैं लड्डू के लिए। एक्चुअली मैं उतने ही केले मंगाती हूँ, और गर्मी में केले की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, बट केले ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं। और ये हैं दूध की बोतल, इन्होंने अपनी पी ली मेरी और लक्ष्य की, ये रही तो मैं अपनी पी लेती हूँ। लक्ष्य अभी खा रहा है खाना क्योंकि हमारा है फास्ट। तो आज है ट्यूसडे और आज बड़ा मंगलवार है और मेरा है फास्ट, और आज रात में मैं सिर्फ 1.5 घंटे सोई हूँ, 2:30 बजे सो, मतलब 2:10 पे सोई थी और 2:45 से पहले तो मैं जाग गई थी। और आज ना लड्डू ने पता नहीं क्यों 2-3 बार सूसू करी थी, तो सारी रात उसको सूसू कराते ही हो गया, क्योंकि अभी मैं उसको डायपर नहीं बनाती ना, तो मैं उसको रात में उठ के करवा लेती हूँ सूसू, क्योंकि अगर थोड़ा सा कष्ट पड़ता है माँ बाप पे, मतलब माँ पे ही पड़ता है, बट बच्चे ना अच्छी आदत सीख जाते हैं, इसलिए खुद को भी उठाना ज़रूरी होता है। कि बीच बीच में मुझे टेंशन लगी रहती है, वैसे तो हमारे जो वो है ना मैट्रेस, उस पर ना प्रोटेक्टर लगा हुआ है, जब लड्डू हुआ था जब भी हम लेके आए थे गुड़गांव ही, लेकिन फिर भी मैं नहीं करने देती क्योंकि स्मेल आती है ना बच्चों की सूसू, अभी वो खाना खाने लगा है तो फिर उसमें से ज़्यादा स्मेल आने लगती होगी, मुझे नहीं पता क्योंकि उसने तो अभी सूसू करी नहीं है, हम लोग उसको करवाते हैं ऐसे ही। और डायपर अभी उसके वैसे के वैसे रखे, अच्छा हुआ मैंने एक और पैक नहीं मंगवाया, और अभी उसको आदत भी नहीं रही, हम बाहर जाते हैं मैं उसको पिनाती हूँ ना तो वो करता ही नहीं है। और देखो सुबह मैंने जल्दी पूजा करी थी तो तिलक ऐसे साइड में लगाया है, और मैंने फेस नहीं देखा सुबह से, मैंने कंघी भी नहीं करी। अभी मुझे कपड़े वॉश करने हैं, लक्ष्य के लिए खाना बन चुका है, अब मैं ये दूध की बोतल पीऊँगी, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, लड्डू को नहला दिया है, सारा काम टोटली हो चुका है, शाम को जाऊँगी मंदिर क्योंकि सुबह मैं मंदिर नहीं गई थी, नहीं जा पाती हूँ। चलिए चलते हैं। तो अभी आई हूँ मैं मंदिर से पूजा करके, 8:30 का समय हो रहा है, हालत आप लोग देख सकते हो बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी आज। मैंने कर लिए हैं कपड़े चेंज, लड्डू खा रहा है हमारा, ये गिर नहीं जाना, उसके बाद बनाऊंगी डिनर इन लोगों के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, 5:35 हो चुके हैं और मेरी हो चुकी है पूजा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री महाकाल, जिनको भी आप मानते हो ज़रूर लिख देना, और बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैं तुलसी मैया की पूजा करने जा रही हूँ, मुझे लगा मैं आप लोगों को भी दर्शन करा देती हूँ। और यहाँ पर मैंने अग्याई भी कर दी है, और इस जल को मैं तुलसी मैया में डाल दूँगी और पूजा करूँगी वहाँ पर। अभी जाती हूँ, और उजाला हो गया है बहुत ज़्यादा, अभी जल्दी उजाला हो जाता है ना इसलिए। तो आज है बुधवार, कल था मंगलवार, कल मेरा फास्ट था, तो बस सुबह जल्दी से उठी मैं, रात में 1.5 घंटे ही सो पाती हूँ, जल्दी उठ जाती हूँ। और अभी मैं बाहर तुलसी मैया पे दीपक लगाऊंगी, पूजा करूँगी, और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी मिलती है पूजा करने के बाद, और आप लोग इंतज़ार करते हो। और वैसे मैं अपनी स्टोरी में इंस्टाग्राम पे आपको अपने भगवान जी के दर्शन कराती हूँ, तो अगर आपने वहाँ पे फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए मिलती रहेंगी। मैं आपको दिखाती हूँ अभी उजाला कितना हो गया है, और देखो मेरी बिंदी, अरे अरे मैं नहा के आई हूँ, मैंने फेस भी नहीं देखा, मिरर में बिंदी कहाँ चिपक गई मेरे, देखो ये देखो, फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया, पूजा करने से देखो कितना निखार आ जाता है फेस पे, है ना, जब आप अंदर से खुश होते हैं ना तो ऑलरेडी निखार आ ही जाता है। 5:35 हो रहे हैं, उजाला आप लोग देख सकते हो कितना हो चुका है ना, बहुत जल्दी उजाला हो जाता है, अभी शायद बड़े दिन है ना इसलिए। तो शाम रात में भी बहुत लेट तक अंधेरा होता है। चलो पहले हम तुलसी मैया की पूजा करके आते हैं, उसके बाद जाते हैं किचन में।